कार मैं शेफ़ कालू सिंह गुजर और एक चाइनीज़ से यानी कि ओरिएंटल से और एक आइटम लेके आ रहे हैं, यानी कि स्टार्टर बेस पे भी आप यूज कर सकते हैं और मेन कोर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, नॉर्मली आइटम है पनीर मंचूरियन, जिसको हम बेसिकली मंचूरियन बेस पे यूज करेंगे, यानी कि स्टार्टर मेन कोर्स दोनों में ही आप यूज करके बना सकते हैं, मेन कोर्स में भी बना सकते हैं और स्टार्टर बेस में भी यानी कि ड्राई बेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम सेमी ग्रेवी में पनीर मंचूरियन बनाएंगे, यानी कि हाउ टू मेक पनीर मंचूरियन, जो कि चाइनीज़ का डिश है, यानी कि चाइनीज़ सेक्शन से जाता है, चाइनीज़ से प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो पनीर मंचूरियन कैसे बनाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास पनीर मंचूरियन के लिए ये पनीर हमने इस तरीके से काटा है, छोटे छोटे क्यूब्स में हमने पनीर काट लिया। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको कोटिंग करना है। कोटिंग के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लोर मैदा यूज़ करेंगे, थोड़ा चिल्ली पेस्ट भी यूज़ करेंगे स्पाइस के लिए। उसके बाद आपको बताए, ये हमारा आरोमेट हो गया, ये वाइट पेपर हो, वो वाइट सॉल्ट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ऑनियन हो गया, ये हमारा कैबेज, कैरेट, बीन्स फाइन चॉप हो गया, जिंजर गार्लिक ये फाइन चॉप हो गया, चिली पेस्ट जो मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया चिली पेस्ट कैसे बनाना है, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, इसी चैनल पर आप देख सकते हो। ये ग्रीन चिली, ये आरोमेट जो हमारा चाइनीज सीजनिंग है, टमाटो केचप, डार्क सोया, लाइट सोया, विनीगर, ये छोटे से इंग्रेडिएंट्स से आप इजी वे में पनीर मंचूरियन बना सकते हैं, यानी कि हाउ टू मेक पनीर मंचूरियन कैसे बनाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से आप पनीर मंचूरियन इजी वे में बना सकते हैं। पहले जो शेफ मंचूरियन बनाते थे कोटिंग के जरिए बनाते थे, आज हम पकोड़े टाइप का नहीं बनाएंगे, यानी कि इजी वे में जो हम बना सकते हैं, यानी कि ऑथेंटिक पनीर मंचूरियन किस तरीके से बनाया जाता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको बता ही दिया इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए वो बता दिया, उसके बाद बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, पनीर काट लेना है, ये पनीर काट लिया। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको हल्का सा सॉल्ट सॉल्ट यूज करना है और हल्का सा चिली पेस्ट यूज करना है, यानी कि आपको स्पाइस लेना है। उसके बाद आप इसको दोनों साल्ट को और चिली पेस्ट को इस तरीके से मिक्स करोगे, ये हमने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद सबसे पहले आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करोगे, हल्का सा यानी कि हल्का सा डस्ट आपको मैदा यूज़ करना है, इस तरीके से आप कोटिंग हो जाएगा इसका। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से कोटिंग कर लेना है, कोटिंग इन द सेंस कि आपका जो कोटिंग कर रहे हो यानी कि जो पनीर काटा है वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहे यानी कि अगर पनीर जो काटते हो तो आपको पता ही है पानी थोड़ा सा पानी प्रोसेस में होता है, यानी कि हम लोग पानी में भी डाल के रखते हैं और डाल के रखना चाहिए पानी में, पनीर को पैकेट में नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से कोटिंग कर दिया, यानी कि ये ड्राई हो जाना चाहिए, ड्राई मतलब कोटिंग प्रॉपर होना चाहिए। उस फ्राई करेंगे यानी कि इसको गोल्डन कलर देंगे। उसके बाद मंचूरियन की ग्रेवी कैसे बनाएंगे, तो पहले हम पनीर फ्राई कर लेते हैं, इस तरीके से आपको पनीर फ्राई करना है, उसके बाद ग्रेवी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, डाल देना है ये इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे पनीर होना चाहिए। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लोगे यानी कि गोल्डन कलर दे लोगे आप। फिर इस तरीके का जो पनीर है और ये इसी कटिंग में आपको पनीर को फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा और कलर देंगे आपको, इससे भी थोड़ा सा और कलर देना है। या तो ये इस तरीके से आपको गोल्डन कलर देना है पनीर का जो मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे हम लोग, यानी कि पनीर मंचूरियन का जो ग्रेवी बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पनीर का ग्रेवी बनेगा। ये इसके बाद ये मंचूरियन की ग्रेवी के लिए सबसे पहले हमने ये वोक बिठाया, वोक में हमने क्या किया, ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हमने फ्लेम ऑन किया। तो उसके बाद सबसे पहले हम ये जिंजर डालेंगे, जिंजर के बाद ये फाइन चॉप गार्लिक और जिंजर दोनों साथ में सौते करेंगे, यानी कि इसको ब्राउन करेंगे हम। अब आपको क्या करना है, सेमी ग्रेवी बनाना है, अगर ड्राई भी बनाना है तो थोड़ा सा पानी आपको यूज़ करना है। ये हमने फ्रेश वाटर यूज़ किया। सबसे पहले चिल्ली फ्लेक्स डालोगे आप,
चिली पेस्ट डालने के बाद सब इसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के साथ साथ आपको क्या करना है, विनीगर डालो। विनीगर के बाद ये हमारा लाइट सोया हो गया। लाइट सोया के बाद यानी कि 2 से 3 ड्रॉप हमारा डार्क सोया हो गया। ये हमारा वेजिटेबल्स हो गया, जो गाजर बीन्स मैंने आपको बताया फाइन चॉप। ये स्प्रिंग ऑनियन हो गया यानी कि हरा प्याज जिसको हम स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं। एक ग्रीन कोरिएंडर और ये हमारा टमाटो केचप हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, वाइट सॉल्ट हल्का सा वाइट पेपर और ब्लैक पेपर बस। हाफ टी स्पून आपका ये आरोमेट पाउडर हो गया यानी कि चाइनीज सीजनिंग। ये इस तरीके का सॉस बना लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये आपका जो फ्राइड पनीर है वो डाल देना है। उसको मिक्स करोगे आप। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा जो गुला हुआ कॉर्नफ्लोर है वो टच करना है। तेज़ फ्लेम पे आपको इसको टॉस करना है। ये इस तरीके से टॉस करना है। उसके बाद ऊपर से आपको थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन टच करना है और उसके बाद पिकअप करना है। ये इस तरीके से पनीर मंचूरियन आप बना सकते हो इजी वे में, इजी रेसिपी के साथ। यानी कि ये पनीर मंचूरियन आपका जो मैंने आपको बताया था सेमी ग्रेवी। इसमें आपको ऊपर से हल्का सा आपका ये जो स्प्रिंग ऑनियन हो गया, स्प्रिंग ऑनियन से आप गार्निशिंग कर सकते हो। यानी कि जो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है पनीर मंचूरियन सेमी ग्रेवी जो आज हमने बनाया, तो आप भी इसी तरीके से इसी रेसिपी के साथ पनीर मंचूरियन बना सकते हो इजी वे में। और भी अगर आपको कोई भी डाउटफुल हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट के साथ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और नीचे मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मेरे नंबर होते हैं, आप कॉल भी कर सकते हो। तो उसके बाद आप इस तरीके से आप पनीर मंचूरियन बना सकते हो। बनाने के साथ साथ आप इंजॉय कर सके, इंजॉय के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो उस काफ़ी सारे आइटम्स हमने चाइनीज़ के भी डाले हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड भी डाले हैं। तो ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल होगा। और आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।